दोस्तों हम लोग YouTube पर तो बहुत ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोग वीडियो बहुत ही अच्छा अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारे वीडियो पर 10, 20, 40 है 200 व्यूज आता है, उससे ज़्यादा व्यूज आता ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग वीडियो सही बनाते हैं, आपका थंबनेल भी सही, आपका टाइटल भी सही, आपका डिस्क्रिप्शन भी सही, आपका टैग भी सही है, फिर भी आपका वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग को सब कुछ सही कर देते हैं, लेकिन आपको मेन कारण होता है कि उसमें SEO करना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को आज किस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही SEO करके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं, अपने वीडियो को सर्च लिस्ट में फर्स्ट में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पर रैंक कर रहा है किसी किसी का वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि हमारा भी वीडियो उस रैंक में आए और हमारे वीडियो वायरल हो, हमारे वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से ही SEO करके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को एक बात बता दूं, सब्जी बनाने के लिए मसाला का जरूरत पड़ता है, तो दोस्तों वो मसाला तो हम लोग ला लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि मसाला कौन किस टाइम पर डाला जाता है। तो दोस्तों वही सेम कारण है कि आप लोग वीडियो भी सही बना लेते हैं, आपका थंबनेल भी सही है, आपका टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ सही है, लेकिन आपके वीडियो पर 40, 50, 100, 200 व्यूज आते हैं और उससे ज्यादा आपका व्यूज आता ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग SEO करेंगे ही नहीं सही से, तो दोस्तों आपका वीडियो वायरल कैसे होगा, आपका वीडियो पर व्यूज कैसे आएगा। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही SEO करके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं, सर्च लिस्ट में रैंक करा सकते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोग अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं, वो भी SEO करके। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अपने वीडियो में SEO करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर जाएगा, होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग करना क्या, मान लीजिए आप लोग कोई वीडियो बना करके और आप लोग बहुत ही बढ़िया एडिट करके कंप्लीट कर लिए और आप लोग सोच रहे वीडियो अपलोड कर, जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप लोग कोई से रिलेटेड वीडियो बनाए अपने यूट्यूब पर, आने के बाद दोस्तों मदद से प्लस वाला आइकन अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने में दोस्तों देखते प्लस वाला आइकन, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ देख सकते अपलोड वीडियो, इस अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने में दोस्तों मान लीजिए आप लोग कोई वीडियो बनाए और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड, तो दोस्तों आप लोग किस कैटेगरी से वीडियो बनाए, किस से रिलेटेड वीडियो बनाए, आप लोग उससे सर्च कर लेना। मान लीजिए मैं यहाँ से एक वीडियो बनाया हूँ, बता सकते मैं यहाँ से ये वीडियो बनाया हूँ, हेलो दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, मदद से कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप लोग वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप लोग को एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ से देख सकते हैं, मैं यह वीडियो बनाया हूँ कि इस पर सब्सक्राइबर कैसे बनाए। तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए कुछ से रिलेटेड वीडियो बनाए, जिससे टॉपिक आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए उस टॉपिक का टाइटल लिखना होगा, जैसे कि आप लोग मान लीजिए मैं यहाँ से देख सकते मैं लिखा हूँ यहाँ से सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, बता सकते सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया, होने को दोस्तों बता सकते यहाँ पर देख सकते पूरा स्मॉल लेटर में, यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल लेटर है। तो दोस्तों आप लोग को इसमें एडिटिंग करने के लिए, SEO करने के लिए आप लोग को टाइटल को लिखने के लिए दोस्तों तीन तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर हो गया, होने को दोस्तों बता सकते हैं पूरा स्मॉल लेटर में आप लोग देखने को मिलेगा, पूरा स्मॉल लेटर में। दोस्तों आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला देख सकते हैं फर्स्ट लोर में आप लोग क्या करना होगा, फर्स्ट लोर में यह आप लोग करना होगा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा स्मॉल लेटर में है। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, इसको आप लोग फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो दोस्तों यहाँ बता सकते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में, तो दोस्तों क्या करेगा सब्सक्राइब यहाँ पर S को आप लोगों को पूरा आप लोगों को कैपिटल में लिख देना है, कैपिटल में लिख लेना दोस्तों, बता सकते हैं K को भी मैं कैपिटल में लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बी को भी यहाँ से यहाँ पर इसको भी कैपिटल में लिख देते दोस्तों, बता सकते हैं कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को फर्स्ट में कैपिटल और लास्ट में आप लोगों को पूरा लगा देना है यहाँ से स्मॉल लेटर, यहाँ बता सकते हैं यहाँ से सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग हो गया, होने को दोस्तों बता सकते हैं आप लोग क्या करना होगा, इस पर आप लोग क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं एक या दो स्लाइस आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा हो गया, अब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग मान लीजिए दूसरी का रूल्स में आप लोग क्या करना होगा कि आप लोग मान लीजिए कोई आप लोग जिससे रिलेटेड वीडियो बनाए और आप लोग टाइटल लिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग जो टाइटल है वो हिंदी से रिलेटेड हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए, जैसे कि आप लोग किसी भी लिखते हैं जैसे कि मेरा भाई, यहाँ पर देख सकते मेरा भाई, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मेरा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड वीडियो, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड वर्ड है, दोस्तों ऐसा ही लिखना होगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, यहाँ पर देख सकते लिख रहे हैं। उसका दोस्तों आप लोग को लिखना होगा यहाँ से हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग सबसे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लेटर में लिख रहा हूँ, फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, उसको दो अंक देख सकते हैं यहाँ पर मैं छोटा यहाँ में और स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। उसके बाद हाउ टू इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या करिएगा, आप लोग जो जो आपका फर्स्ट लेटर होगा उसको आप लोग को क्या करना होगा, इसको कैपिटल में आप लोग को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग कैपिटल में उसको लिखिएगा, उसके बाद देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, यहाँ पर लिख दीजिए
सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, यहाँ पर आप लोगों को ऑन यूट्यूब यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, उसका दोस्तों में लिखा हुआ हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। दोस्तों यहाँ पर हो गया, होने में दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, इसको आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर दो काम हो गया। तीसरे का काम है आप लोग क्या करना होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं विजिबिलिटी, इस विजिबिलिटी को क्लिक करके और यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आपका पब्लिक है तो दोस्तों आप लोग, हालांकि मैं यहाँ से राय दूंगा कि आप लोग इसको जब तक आप लोग पूरी तरह से एडिट नहीं करके कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोग को इसको अनलिस्टेड में ही रखिए। तो उसके बाद अनलिस्टेड आप लोग को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अनलिस्टेड सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपलोड, इस अपलोड वाले आइकन पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मैं अपना लाइब्रेरी में आ गया, लाइब्रेरी में आने के बाद दोस्तों वीडियो अपलोड में आ गया, वीडियो अपलोड में आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कि आप देख सकते हैं यहाँ से अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग को क्या सर्च करना है, चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का फर्स्ट में क्या आप लोग को करना होगा। जैसे कि आप लोग सबसे पहले यहाँ से अपने क्या करेगा, आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाएगा, आने के बाद दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों कंटेंट पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैं कंटेंट पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का जो टाइटल था, यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल आप लोग देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पेंडिंग आप लोग देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो रहा है पेंडिंग ही लिखेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको टाइटल को पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने को दोस्तों आप लोग को चेक करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तभी आप लोग अपने अपने वीडियो को टाइटल में लिख लेंगे। जैसे कि चलिए आप लोग को बताते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना परसेंट दिखा रहा है, तो उसके लिए आप लोग करना क्या, इसके लिए अपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने को दोस्तों देख सकते सर्च बार, इस सर्च बार को सर्च में लिखना है AI, यहाँ पर देख सकते AISU फ्री आप लोग देखने को मिलेगा AISU, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर लेने को दोस्तों यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते दोस्तों ऊपर का तरह स्क्रॉल करके और देख सकते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा फ्री हैंडलाइन एनालाइजर टूल थे दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने के बाद दोस्तों आप लोग को हल्का सा वेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पेज रीड हो रहा है, तो दोस्तों हल्का सा वेट कर लेना है, नेट मेरा बहुत ही स्लो चल रहा है दोस्तों, हल्का सा वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाए, यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों जो आप लोग टाइटल को कॉपी किए थे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आप लोग टाइटल को कॉपी किए थे यहाँ से आप लोग यहाँ से क्या करना होगा, इंटर कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ से उसको कॉपी किया था, मैं पेस्ट करके यहाँ देख सकते हैं एनालाइजर पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। एनालाइजर पर क्लिक करने को दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेने को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हल्का सा लोड ले रहा है, लोड लेने को दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एनालाइजर पर क्लिक करके लोड पर क्लिक कर देंगे, लोड पर क्लिक करने को दोस्तों देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तो दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट करने को दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको हल्का सा वेट करके और आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, तो दोस्तों आपको हल्का सा वेट कर लेना होगा। वेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम, यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 75%, यहाँ पर देख सकते हैं वेरी गुड लिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आकर के एक बार आप लोग को चेक कर लेना होगा कि आप लोग का कितना परसेंट आप लोग को दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मस्त आप लोग आकर के इस तरह से आकर के अपने टाइटल को चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर कितना परसेंट टाइटल आप लोग को सर्च कर रहा है ऑडियंस। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आकर के सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ से आपको आप लोग आना है, आने के बाद दोस्तों अब आप लोग को सीधा अपने क्या करिएगा, अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर होम में आ जाएगा। होम में आने के बाद दोस्तों अपने लोगो वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देखते हैं योर टर्न ऑन रिकॉर्डिंग, तो दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने को दोस्तों आप लोग का न्यू पेज आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया है। होने के बाद दोस्तों देख सकते सर्च बार, यहाँ पर देख सकते सर्च बार, इस सर्च बार को सर्च करना होगा आप लोग जिससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, यहाँ पर देख सकते सब्सक्राइबर, यहाँ पर लिख लिया सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े, यहाँ पर मैं सर्च कर दिया, सर्च कर लेंगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से पूरा इतना आ रहा है, यहाँ पर देख सकते सब्सक्राइबर कैसे बढ़ दिए। तो दोस्तों क्या करना है, इसको एक बार स्क्रीन शॉट यहाँ से आप लोग को ऐसे स्क्रीन शॉट लेना होगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर देखते मैं स्क्रीन शॉट ले लिया हूँ। स्क्रीन शॉट लेने का दोस्तों आप लोग इतना काम करना है, उसका दोस्तों फिर से आप लोग लिखना होगा, यहाँ से आप लोग को एक बार हिंदी में लिख लिया, हिंदी में लिख लेने का दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, एक बार आप लोग को इसको इंग्लिश में आप लोग जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज
इंक्रीज सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सर्च कर दिया हूँ। सर्च कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कितना आप लोग देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसको भी एक बार आप लोग को इसको स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसको कॉपी कैसे करें, इसको कैसे लेकर रहे। दोस्तों आप लोग को शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप लोग अपने स्क्रीन शॉट को भी आप लोग उसको आप लोग अपने अपने टूल को अपने स्क्रीन शॉट जो लिए हैं उसका भी आप लोग उसको आप लोग जो आप लोग स्क्रीन शॉट इसको लिए हैं, जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके और यहाँ पर सर्च में सर्च कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ स्क्रीन, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट टेक्स्ट कॉपी, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोड हो रहा है, लोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग एक बार दोबारा इधर की तरह ऊपर की तरह नीचे की तरह स्क्रॉल कर देना होगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले आइकन पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से इस पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं फाइल, फाइल पर क्लिक करने दोस्तों आप लोग जो स्क्रीन शॉट लिए थे जो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ इसको स्क्रीन शॉट लिया था। दोस्तों देखते हैं मैं इसको स्क्रीन शॉट को अब इसमें इसको आपको वर्ड में कन्वर्ट करके और आपको बताता हूँ। दोस्तों आप लोग इसको अपने हिसाब से मिला करके इसको इसको यहाँ से कर दीजिए और अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। मिला लेने को दोस्तों देखते हैं सेव, इस सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। सेव वाले आइकन क्लिक कर दोस्तों देखते हैं अपलोड, इस अपलोड वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। अपलोड वाले आइकन पर क्लिक कर लेना दोस्तों हल्का सा लोड ले जाए दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेने दोस्तों ऊपर की तरह यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हो रहा है होने को दोस्तों हल्का सा वेट कर लीजिएगा। वेट कर लेने दोस्तों अच्छा रहे उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से आप लोग जो टेक्स्ट को कॉपी किए थे और स्क्रीन शॉट में इसमें डाले थे दोस्तों देख सकते हैं पूरा यहाँ से आप लोग का वर्ड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको एक बार आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करके पूरा ऑल को कॉपी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कॉपी पर क्लिक करके मतलब आपका कॉपी हो गया होने का। दोस्तों आप लोग करना क्या अपने आईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करके और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। आने का दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, आप लोग जो आप लोग टाइटल लिखे थे यहाँ पर जैसे कि मैं इस टाइटल का लिखा था दोस्तों आप लोग क्या करना इसको आप लोग को पूरा इसको यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पर मैं इस टाइटल को कॉपी करके और आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइटल को पूरा यहाँ से कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से क्या करेगा इसको आप लोग को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर लेंगे दोस्तों आप लोग जो आप लोग देख सकते हैं इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को जो भी आप लोग लिंक को देना चाहते हैं जिसके अपने YouTube फेसबुक जो भी आपको जिसके भी लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के लिंक दे करके अब आप लोग यहाँ पर लिखना होगा योर क्रेज। यहाँ पर आप लोग को योर क्रेज में आप लोग को लिखना क्या होगा, जैसे कि आप लोग जिस रिलेटेड वीडियो बनाए जिस टॉपिक पर वीडियो बनाए उस टॉपिक को क्या करना होगा आप लोग को यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद योर क्रेज पर क्लिक करके और आप लोग क्या करना है न्यू पेज पर ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के दोस्तों आप लोग करना क्या होगा यहाँ से आप लोग जैसे कि चलिए आप लोग को फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब आ गए आने के बाद दोस्तों मैं सेम बताया था इसी को कॉपी करके स्क्रीन शॉट ला करके और आप लोग क्या करेगा इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से आपको बताया था कि अपने आकर के यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया हूँ। क्या करेगा इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से आकर के अपने कॉपी पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के दोस्तों अपने यहाँ से अपने डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद टेक्स्ट नीचे आकर के और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट कर लेने के दोस्तों देख सकते हैं आपका पूरा यहाँ से जो आप लोग टेक्स्ट स्क्रीन शॉट लेकर के और टेक्स्ट में कन्वर्ट किए थे यहाँ से आ गया। आने को दोस्तों अब आप लोग क्या करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो गया होने को दोस्तों अब आप लोग क्या करना होगा इसमें आप लोग को हैशटैग लगाना है। हैशटैग आप लोग को ट्रेंडिंग हैशटैग खोजना है तो दोस्तों आप लोग ट्रेंडिंग हैशटैग को कहां से खोजिएगा चलिए आप लोग को बता दें। जैसे कि आप लोग को क्या करना होगा यहां से आप लोग को कुछ नहीं अपने अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर जाएगा। होम स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग करना क्या होगा यहाँ से आप लोग को अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार, इस सर्च बार में आपको सर्च करना होगा कीबोर्ड टूल्स, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करना होगा कीबोर्ड टूल्स यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड टूल, दोस्तों क्या करेगा इस कीबोर्ड टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। कीबोर्ड टूल पर क्लिक करने के दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता होगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गूगल, इस गूगल वाले आइकन पर क्लिक करके यूट्यूब पर क्लिक कर दीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका हल्का से लोड ले रहा है। लोड होने के बाद दोस्तों देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सर्च बार, इस सर्च में आपको सर्च करना होगा आप लोग जिससे रिलेटेड आप लोग हैशटैग खोजना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां से खोजना चाहता हूं सब्सक्राइबर, यहां पर मैं खोजना चाहता हूं यहाँ पर मैं अपना सब्सक्राइबर्स यहाँ पर खोजना चाहता हूँ सब्सक्राइब लिख दूँ सब्सक्राइबर्स यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्सक्राइब चाहे सब्सक्राइब जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से आकर के जिससे रिलेटेड वीडियो है और आप लोग जिससे रिलेटेड हैशटैग खोजना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिख दिया, लिख लेने दोस्तों देख सकते सर्च, इस सर्च वाले आइकन पर सर्च कर देना होगा। सर्च वाले आइकन पर सर्च कर लेने दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोड हो रहा है, लोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा हैशटैग, यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड सजेस्टेशन। दोस्तों आप लोग जिसने देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ से आप लोग अपने जो भी आप लोग यहाँ से अपने कीवर्ड में आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग लगाना चाहते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हैशटैग, हैशटैग्स पर क्लिक कर दीजिएगा। हैशटैग्स पर क्लिक करने के दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हल्का सा लोड ले, लोड लेने के दोस्तों यहां पर देख सकते हैं टोटल यहां पर आप लोग देखने को मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं टोटल हैशटैग 37 है। तो दोस्तों यहां पर टोटल हैशटैग
पूरा ट्रेंडिंग हैशटैग है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ट्रेंडिंग हैशटैग आप लोग देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं 100 यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं सर्च, यहाँ पर सर्च वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या करना, आप लोग को कम से कम 8-10 इसको हैशटैग अपने फर्स्ट में आप लोग को क्या करना होगा, हैशटैग ले लेना होगा। जैसे मैं देखते लिख लीजिएगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर आप लोग जो लिख लीजिएगा, आप लोग कम से कम 8-10 यहाँ पर आप लोग को हैशटैग आप लोग को कॉपी कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते 2-3-4-5-6-7-8-9-10 में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर, यहाँ पर आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से आ करके आप लोग जितना आप लोग आपका माने आप लोग कम से कम 10 को ही आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसका क्या करना है, कॉपी कैसे करिएगा चलिए आप लोग को बताते हैं। दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लेने का दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को इस वाले आइकन पर क्लिक करके, और यहाँ पर देख सकते कॉपी, इस कॉपी पर आप लोग को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने को दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कॉपी हो गया। आप लोग क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद जो आप लोग कॉपी किए थे यहाँ से आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने को दोस्तों देख सकते आपका हैशटैग यहाँ से पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, अब आप लोग को यहाँ पूरा यहाँ पर आपका टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आप लोग क्या करना होगा, लास्ट में आप लोग थैंक्स फॉर को भी आप लोग अपने नाम चाहे जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग ला करके यहाँ से लगा सकते हैं आप लोग जो भी आप लोग लिखना चाहते। जैसे कि मैं चलिए आप लोग का एक बार आप लोग यहाँ में लिख देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं देख सकते मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख करके और आप लोग को बताते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोग लिख दीजिएगा जो भी आप लोग मन है थोड़ा थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पर देख सकते हैं मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया हूँ। उसका दोस्तों क्या करेगा, इसको आने के बाद दोस्तों बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस थंबनेल कस्टम थंबनेल पर क्लिक करिएगा। आपको क्या करना होगा, आपको थंबनेल लगाना होगा, तो थंबनेल लगा कर डन पर क्लिक कर दीजिएगा। डन पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों सेव कर दीजिएगा, सेव कर लेंगे दोस्तों फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं आप लोग बहुत से डिस्क्रिप्शन ऑन स्टेड नोन आप लोग क्या करना होगा, टैग शॉर्ट रिमिक्स कैटेगरी पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते आपको टैग लगाना होगा। जैसे कि आप लोग टैग कैसे लगाइएगा चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे कि आप लोग जो टाइटल में लगाए थे, जो डिस्क्रिप्शन में लगाए थे यहाँ पर, जैसे कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते टाइटल में क्या लगाया, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए थे दोस्तों, क्या करेगा इसको आप लोग को कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने को दोस्तों टैग में आने के बाद यहाँ से क्या करेगा आप लोग को पेस्ट करके यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा आप लोग फिर से आप लोग हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब पर क्लिक कर कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने को दोस्तों आप लोग क्या करना, फिर से आना है, फिर से इसमें आप लोग को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, कम से कम इसमें आप लोग को 500 ही वर्ड को आप लोग को लगाना है। उसके बाद दोस्तों हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल यहाँ पर आप लोग फर्स्ट में जो आप कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में लगाए थे वहीं आपको सेम यहाँ से आपके टाइटल में आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन टैग में आप लोग को तीनों आप लोग को वहीं लगाना है। जैसे कि ऑडियंस सर्च करे कि आपका वीडियो फर्स्ट टैग में आपका सजेस्ट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना, जो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आप लोग लगाए थे टाइटल में लगाए हैं डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं फिर आप लोग को क्या करना टैग में भी लगा देना है, ताकि आपका जो वीडियो ऑडियंस है जो आपका जिससे रिलेटेड आप वीडियो बनाए उस रिलेटेड आप लोग का टैग सर्च लिखेगा तो आपका वीडियो 100% आपका सर्च लिस्ट में आएगा। सर्च में लिस्ट में आने के बाद दोस्तों क्या आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, आपका वीडियो वायरल होगा, तभी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ से लगा लिया है। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से लगा कर सेव वाले आइकन पर सेव करके और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव करके एडिट सेव हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एडिट सेव होने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से आकर के अपने वीडियो को एडिटिंग कर लीजिएगा। एडिटिंग कर लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप लोग कुछ इस प्रकार से एसईओ करके आप लोग आकर के पूरी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आप लोग को अपने जिस टाइम पर वीडियो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस टाइम पर आप लोग को क्या करना है, फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन स्टेज विजिबिलिटी पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं सेव, आप लोग जिस टाइम पर वीडियो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आकर के सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से अपने वीडियो को एडिटिंग करके एसईओ करके वीडियो को अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपके 100% वीडियो वायरल होंगे, अच्छा खासा आपके वीडियो पर व्यू जाएंगे और अच्छा खासा आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे और आपका अच्छे खासा अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को वही बताना चाहता था कि आप लोग कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल से एसईओ करके वीडियो को अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपके भी वीडियो 100% वायरल होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड करके और पूरी तरह से एसईओ करके अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपके भी वीडियो पर अच्छा खासा व्यू जाएगा, अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होगा और आप लोग अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताना चाहता था कि आप अपने मोबाइल से ही एसईओ करके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।